और उसमें एक ब्लैक शेड था, उसको मैं एज कॉर्नर की जो लाइनर लगाते हैं वैसी शेप में सिर्फ आँख के आउटर साइड पे अप्लाई करूँगी। और अब इसको कॉर्नर ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और बाहर की तरफ लेके जाऊँगी। सो अब मैं ये लाइटर शेड अप्लाई करूँगी अपनी ब्रा बोन के नीचे ताकि जितनी भी हार्श लाइन्स हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो अब होता भी ठीक है, नॉटी पैलेट से गोल्ड शेड है मैं अपनी आईज पे अप्लाई करूंगी। अब मैं हल्का सा ब्राउन शेड लेके अपनी पूरी जो क्रीज लाइन है उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि जो भी बाहर है थोड़ा बहुत गोल्ड निकला है वो खत्म हो जाए। इसके बाद मैं ये अप्लाई शेड कर रही हूँ गोल्डन सा, ये ग्लिटर सा शेड है, मल्टी कलर्स में है, इसको अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर के। चेहरे की तरफ चलते हैं और मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ मैं एनेस्थेसिया का सेटिंग स्प्रे अपनी फेस को अच्छे से सेट करने के लिए, बिकॉज गर्मी का सीजन है और फेस को ज़बरदस्त सा बनाना है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रेयलॉन की आइवरी स्टिक, टीवी पेन स्टिक है ये, और इसको पूरे चेहरे पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी सारी स्किन एक इवन टोन में हो जाए। सो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मेवलिन का मैट प्लस पोर, ये ज़बरदस्त है फेस पे और शेड है आइवरी 115। ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, देख लीजिए मैंने चेहरे के बाद मेरे फेस पे कितना ज़बरदस्त ग्लो आ रहा है, कोई हाईलाइटर नहीं अप्लाई किया हुआ, कोई कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ। तो जनाब इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एसेंस का सुपर स्टे है ये, और अपने हाईलाइटेड पॉइंट पे एरियाज पे मैं लगाऊंगी, आईज के नीचे, नोज पे, अपर लिप्स पे और चिन पे और साइड जॉ बोन्स पे, ताकि ये मेरे एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो। तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब अपने पूरे चेहरे को मैं बेकिंग करूंगी और बेकिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्रेयलॉन का TL11 और अच्छे से मैं बेक करूंगी अपने पूरे फेस को।
सो जनाब आप आई एम गोइंग टू यूज़ ना बीवी की पैलेट है ये, और इसमें कॉन्टोर भी है और ब्लश भी है और हाइलाइटेड भी, तो तीनों मैं इसी में से ही अप्लाई करूँगी। तो मेरा ब्लश भी हो गया है, हाईलाइट भी हो गया है, आप चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ रेड कलर के साथ, न्यूड कलर को मिक्स करके। सो माय फ्रेंड्स, हियर इज द फाइनल लुक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकओवर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगी और अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ मजीद आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। फिर दोबारा हाजिर होंगी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।